यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज के इस संकल्प सत्र के अध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर ब्रह्म मुनि जी, पूज्य आचार्य बलदेव जी, इस पवित्र मंच पर उपस्थित सभी पूज्य सन्यासी वृंद, श्रद्धेय विद्वत वृंद, विभिन्न देश देशांतर से पधारे हुए सभाओं के अधिकारीगण, उपस्थित सम्मान्य सज्जनों, माताओं बहनों, मुझे अगले सत्र में संगठन के संदर्भ में कुछ विशेष चर्चा करनी है। भाई विनय जी ने अभी मेरा नाम बोल दिया, इसलिए मैं 2 मिनट कुछ बात करना चाहूंगा। यहाँ आर्य समाजों के चुने हुए लोग, चाहे सन्यासी हैं, अधिकारी हैं, विद्वान हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आए हैं पूरे देश और विदेश से। मेरा आपसे एक निवेदन है, किसी भी संस्था का, किसी भी सिद्धांत का प्रचार करने के लिए जो प्रथम कड़ी होती है, वो कड़ी होती है कार्यकर्ता। जब तक संस्था के पास कार्यकर्ता नहीं होंगे, चाहे उनके पास संसाधन कितने क्यों न हो, आप मीडिया के माध्यम से, जैसे कल पूज्य स्वामी रामदेव जी चर्चा कर रहे थे कि हमें मीडिया के माध्यम से काम करना है, आज मीडिया की बहुत अधिक आवश्यकता है। परंतु आज भी आप जब ग्रामीण अंचल में जाएंगे, मेरा 32 वर्ष का प्रचार क्षेत्र का काम रहा है राजस्थान में सन 80 से, और आज तक मैं केवल मात्र प्रचार का ही मेरा कार्य रहता है, दूसरा मेरा कोई काम नहीं है। और महीने में मेरे 25 दिन ग्रामीण क्षेत्र में लगते हैं, राजस्थान की गांव ढाणी उसमें मैं जाता हूं, उधर पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, जो राजस्थान से लगता क्षेत्र है वो भी मेरे कार्य क्षेत्र में रहते हैं। आज भी गांव में आपको बहुत सारे परिवार ऐसे मिलेंगे जिनके पास में मीडिया के साधन नहीं है, टेलीविजन नहीं मिलेंगे, टेलीविजन अगर किसी का है तो ये डिश टीवी के साधन नहीं मिलेंगे। आप किसी भी चैनल के माध्यम से यदि उन लोगों तक अपना मैसेज देना चाहते हैं तो उनके पास नहीं मिलेंगे। इसलिए वहां तक पहुंचने तक, अंतिम छोर तक पहुंचने में हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जरूरत पड़ेगी कार्यकर्ता की। और कार्यकर्ता भी हमारे पास उद्भट विद्वान भी चाहिए, उच्च कोटि के योगी भी चाहिए, लेकिन सामान्य लोगों के बीच में तो सामान्य कार्यकर्ता काम कर सकता है। सामान्य रूप से आपको संध्या सिखानी है, आपको हवन सिखाना है, आपको आर्य समाज के सामान्य सिद्धांत बताने हैं, आपको वैदिक वांग में उन तक पहुंचाना है, सरल भाषा में पहुंचाना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आदमी, व्यक्ति, कार्यकर्ता। इसलिए यहां जितने भी सज्जन आए हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। एक तो हमें ये बात लेकर के चलनी चाहिए कि जैसे एक वाहन है, गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जितना महत्व उसके इंजन का है, उसके गियर बॉक्स का है, उतना ही महत्व उसके टायर में लगी हुई एक वाल का है। यदि उस वाल को निकाल दिया जाए तो पहिए की हवा निकल जाएगी और आपका इंजन भी काम नहीं करेगा, आपका गियर भी काम नहीं करेगा। हमारे शरीर में जैसे प्रत्येक अंग का प्रभाव है, ऐसे ही कार्यकर्ता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कई बार क्या करते हैं कि हमारा जो सामान्य कार्यकर्ता होता है, हम उसको बहुत उपेक्षित कर देते हैं। इसलिए उसको भी यथोचित सत्कार, यथोचित सम्मान मिलना चाहिए ताकि वो उत्साहित होकर के और अपने काम को गति दे सके। आदमी श्रद्धेय स्वामी गुरुवर सर्वानंद जी महाराज ये कहा करते थे, किसी घर के दरवाजे पर अगर कुत्ता आता है और 2-3 बार यदि आपने उस कुत्ते को दूधकार दिया तो कुत्ता भी घर पर आना बंद कर देगा, आपके यहाँ नहीं आएगा रोटी खाने के लिए वो। इसलिए कार्यकर्ता पहली चीज है उसका आत्मसम्मान, उसको प्रोत्साहित करना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम आज एक ही संकल्प ले लें कि हमारी एक छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक हम सम्मान दें, हम उसको प्रोत्साहित करें, तो मैं समझता हूं कि आर्य समाज का प्रचार गांव गांव और गली गली में पहुंचेगा और एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी। तो मेरा यह निवेदन आपसे है, हम एक दूसरे का सत्कार करना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का संकल्प यदि लेके जाएंगे तो आर्य समाज खड़ा हो जाएगा। और दुनिया में महर्षि दयानंद का जो उद्देश्य था,
किण्वन तो विश्व मारियम हूं, अभी उससे बहुत दूर हैं। इस विषय पर मैं आयोजकों से निवेदन किया है कि मेरे को अगले सत्र में 10-12 मिनट का समय दें, क्योंकि संगठन पर मैंने जो चिंतन किया है वो मेरा अपना एक चिंतन है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं आप सबको और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा और आशा करूंगा कि मेरी इस बात पर विचार करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।